आज मैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड बात करूंगा रेनेसा के बारे में। कल तो मैंने जनरल दिखाया, आज तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नोट्स हैं बिल्कुल, और यही नोट्स आपके पास अक्सर अक्सर आएंगे, लेकिन साथ ही समझाते रहूंगा। देखो, सबसे पहले अर्ली रेनेसा समझना चाहिए। उसमें आपको ये समझ लो कि ये सब शुरू हुआ था आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल मैं छोटे छोटे पॉइंट बना रखे हैं मैंने। इसमें ये हुआ था जब ये फॉल हो गया कस्तुतोनिया का, तो ग्रीक टेक्स्ट वर ब्रॉट ब्रॉट फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कल मैंने बता दिया था, ठीक है। और यहां जब लाए गए तो कॉपीड, कॉपीड टू मल्टीपल, बाद में टेक्स को मल्टीपल कॉपी बना ली गई, ठीक है। अर्ली रेनेसा में जो हुआ था, लाइब्रेरीज मैंने कल बता दिया था वर ओपन्ड, और वहां लोग ये सब पढ़ने लगे, फैलने लगा ज्ञान। नंबर ऑफ ग्रीक ह्यूमैनिस्ट जो बाइजेंशियम से बचे हुए थे, वो लोग ग्रीक ह्यूमैनिस्ट मूव्ड टू इटली। ठीक है, 1462 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है पॉइंट, एक प्लेटोनिक एकेडमी खोली गई प्लेटो के नाम से, प्लेटोनिक एकेडमी इन फ्लोरेंस, ठीक है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ये सब अर्ली रेनेसा की फर्स्ट वेव मानी जाती है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वेव ऑफ रेनेसा। सेकेंड वेव में क्या रहा, पहले समझा देता हूं, फिर पॉइंट में, चार पांच पॉइंट को आप सुनिए ध्यान से। क्लासिकल स्टडीज के लिए लोगों का उत्साह बना रहा, और क्लासिकल स्टडी मैंने कल समझाया था कि लव अबाउट ग्रीक लिटरेचर, ठीक है, और उसमें जितने भी रूल्स से लिखी जाती हैं, ये सब लोगों का बना रहा। ह्यूमेनिज्म की ओर, ब्रॉड लर्निंग और ह्यूमेनिज्म की ओर लोग झुके, जो हम कल समझा चुके हैं। और सेकेंड वेव में ही जो है ये यूरोप में फैला, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और नॉर्दर्न कंट्रीज की ओर, जहां पर इसने बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की रेनेसा ने, और वहां पर कुछ जबरदस्त स्कॉलर्स जो है लाइमलाइट में आए, जिनमें से थॉमस मूर, इरेस्मस और कॉपरनिकस थे, अभी लिखाया जाएगा। फिर मूवमेंट इससे आगे बढ़ा और क्लासिकल स्टडीज का रिवाइवल हुआ, और क्लासिकल स्टडीज को दुनिया उनकी जिंदगी के हर मोड़ पे, हर लाइफ स्टाइल में इम्बाइब किया जाने लगा, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज वहां पर थी जो अभी मैं बताऊंगा, स्कॉलेटिसिज्म। स्कॉलेटिसिज्म क्या थी कि जो स्कॉलर्स थे, यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लोग थे, या जो पढ़े हुए लोग थे ग्रीक स्टडीज में माहिर थे, उनको ही उस समय जो है एक इंटेलेक्चुअल माना जाता था, स्कॉलर्स को। लेकिन रेनेसा में एक बड़ी बात हुई कि वहां इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिली। उन्होंने कहा स्कॉलेस्टिसिज्म को हटा देंगे और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, जो जितना ज्ञान चाहे वो प्राप्त कर सकता है, और हर एक को एक्सप्रेशन का अधिकार है। आर्किटेक्चर में क्लासिकल स्टाइल फॉलो हुआ, फाइन आर्ट्स इंस्पायर हुई इटली में, और राफेल, लियोनार्डो दा विंसी, बेलिनी और माइकल एंजेलो जैसे लोग वहां पर जो है अपनी आर्ट में विकसित किया उन्होंने अपनी आर्ट को, और मार्टिन लूथर जैसा व्यक्ति आया जिसने रिफॉर्मेशन को अंजाम दिया, और इसके बाद जो है लोगों की खोज के प्रति, एक्सप्लोरेशन के प्रति दुनिया में
एक नए वर्ल्ड की खोज के प्रति जो है क्या हुई, जागृत हुई इच्छा। तो ये इतनी चीजें हैं, इसमें जो जो पॉइंट अभी आएगा जहां पर मुझे लगेगा समझाना है वो साइड से आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूड जील, जील का मतलब होता है उत्साह, फॉर क्लासिकल स्टडीज, दूसरा तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड लर्निंग एंड ह्यूमैनिज्म, कोई टर्म समझ में नहीं आएगा बोल देना वहां पे, ठीक है, और बहुत अच्छे दो तीन नोट्स कल आएंगे, बहुत शानदार, आपको फिर रेनेसा में कुछ नहीं बचेगा। पीडीएफ नेक्स्ट है कि जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ मूवमेंट स्प्रेड टू कहाँ कहाँ हुआ, जर्मनी, अब यूरोपियन कंट्री आने लग गए इसकी कतार में, ठीक है, पोलैंड, फ्रांस, एंड अदर नॉर्दर्न कंट्रीज। ये सेकेंड वेव में ही हुआ, फर्स्ट वेव में तो फ्लोरेंस और इधर ही रहा, ठीक है, और स्कॉलर्स लाइक एक था थॉमस मूर, एक था डेसिडियस इरेस्मस, और कॉपरनिकस जैसे लोग। और फिर नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉलेस्टिसिज्म, वॉज रिप्लेस्ड बाय इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। स्कॉलेस्टिसिज्म को मैं यहां पर डिफाइन कर दे रहा हूं, स्कॉलेस्टिसिज्म होता है कि आप पढ़े लिखे लोगों को ओनली स्कॉलर्स आर समझो कि आर स्कॉलर्स आर अंडरस्टूड एज इंटेलेक्चुअल, ये था इसका मतलब, ये है बिल्कुल सिंपल मेथड में कि स्कॉलर्स को ही इंटेलेक्चुअल माना जाता था, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात होने लगी, समझ गए, ये बहुत बड़ा चेंज है इसमें। और इन आर्किटेक्चर रिवाइवल ऑफ क्लासिकल स्टाइल, क्लासिकल स्टाइल उस समय के अगर आप देखेंगे वही जो बड़े तिरछे और स्लांटिंग वाली रूफ, बड़े कॉलम वाले, बड़े गैलरीज वाले और ऊंची छतों वाले, ये सब क्लासिकल स्टाइल है। और फाइन आर्ट्स में स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आए इटली में, ठीक है, न्यू स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, इन इटली, और इसमें राफेल, लियोनार्डो, बेलिनी, माइकल एंजेलो एटसेट्रा, ठीक है। और रिलीजन में मार्टिन लूथर किंग, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्टिन लूथर किंग कौन था जानते हो,
जो क्या लेके आया, इसने क्या इस्टेब्लिश करने में इसका योगदान है, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन में इसका योगदान है, मार्टिन लूथर किंग, ये प्रोटेस्टेंटिज्म को लाने में इसका जो है पूरा योगदान है, ठीक है, और डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रेनेसा, अब ये इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अब आएंगी कुछ फेमस पेंटिंग, उस उन फेमस पेंटिंग के बिना रेनेसा कुछ नहीं है। उन फेमस पेंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एक एक दो दो वो बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आ ही गया तो सबसे पहली फेमस पेंटिंग है द क्रिएशन ऑफ एडम। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से रेनेसा आर्ट का बहुत बड़ा एक वो है, द क्रिएशन ऑफ एडम एक एग्जाम्पल है। तो कोई बता सकता है द क्रिएशन ऑफ एडम किसकी पेंटिंग है? बताओ भाई, कल भी डिस्कस हुआ था। माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। और इसमें जो दो चीजें बता दे रहा हूं बस, एक तो ये कहां पर है, ये सिस्टीन चैपल में है, सिस्टीन के चर्च में है। और दूसरा, अगर रेनेसा आर्ट का कोई कहे ना ऐसी चीज जो पूरी रेनेसा आर्ट को डिस्क्राइब करती हो तो बस यही है द क्रिएशन ऑफ एडम। अगर कहीं रेनेसा की बात होगी तो उसके बुक में या कहीं कवर लगाना होगा तो द क्रिएशन ऑफ एडम को ही लगाएंगे लोग। तो इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, इसीलिए बता रहा हूं, इसको कहते हैं एपिटोम ऑफ रेनेसा आर्ट, प्रतिमूर्ति। एपिटोम को क्या कहते हैं भैया हिंदी में? एपिटोम ऑफ रेनेसा आर्ट। और इसमें बस दो चीजें और बता दे रहा हूं कि इसमें दो फिगर हैं, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, और दो फिगर में एक है राइट में गॉड का, ठीक है, और लेफ्ट में एडम का। गॉड की इमेज बड़ी अनकन्वेंशनल है, बड़ी क्रिएटिव टाइप की है। गॉड को मस्कुलर ग्रे हेयर लॉन्ग बियर्ड वाला दिखाया गया है, ठीक है, तो ये कुछ नया रिबर्थ था आर्ट का, ठीक है। एडम को बड़ा जो है गॉड के पास दिखाया गया है, उसको गॉड उसको टच करते हुए, और एक कॉनकेव तरीके का जो है पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया ये है। तो ये जो एडम को दिखाया गया गॉड के हाथ को टच करते और दोनों को बराबरी पे, एक्चुअली ये क्या है सुन लो, ये एपिटोम ऑफ रेनेसा आर्ट इसीलिए है क्योंकि ये पूरी पिक्चर या फिगर क्या डिस्क्राइब करता है, फिगर डिस्क्राइब्स व्हाट, फिगर डिस्क्राइब एक्चुअली ह्यूमैनिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ एडम, ह्यूमैनिस्टिक, ये ह्यूमैनिज्म को दिखाता है इसीलिए एपिटोम है, ह्यूमैनिस्टिक पोर्ट्रेयल, गॉड के समकक्ष दिखा रहा आदमी को, पोर्ट्रेयल ऑफ एडम, ठीक है। आप चाहो तो ये पेंटिंग खोल के दिखा सकता हूं, दिखाऊं क्या? यस सर, यस सर, क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर अब मेरे को फिर ये इसको बंद करना पड़ेगा और ये करना, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आज बहुत है करने को, मैं इसको खत्म करने वाला हूँ, ठीक है, अभी फ्लो में है, इसको आप गूगल में देखना द क्रिएशन ऑफ एडम, बस ये समझ लो रेनेसा होगा तो क्रिएशन ऑफ एडम तुम्हारी जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जो मैंने कल बात की थी उस पर क्या क्वेश्चन बन रहे हैं जरा देखें, वो जो नया टॉपिक है और वो है रेनेसा ह्यूमैनिज्म। रेनेसा ह्यूमैनिज्म पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी ओर से जो क्वेश्चन बन रहा है वो फाउंडर इसका, और मैंने कल बताया था इसका फाउंडर है रेनेसा ह्यूमैनिज्म का पेट्रार्क,
ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। और इन्होंने क्या किया था, ये पूरी तरीके से रेनेसा ह्यूमैनिज्म को दिखाते हैं और इसी को फाउंड करते हैं, और ये पूरी तरह से जो मिडिवल स्कॉलेस्टिसिज्म था उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली दो चीजें की हैं रेनेसा ह्यूमैनिज्म में, क्या था, एक रेनेसा ह्यूमैनिज्म मैंने कल बताया था, मैन एट द सेंटर, दूसरा आपको पता है कि ये स्कॉलेस्टिसिज्म के अगेंस्ट होना, ठीक है। और इसमें दो ही कंसर्न थे, क्या रेनेसा ह्यूमैनिज्म में नंबर एक कंसर्न था, कंसर्न मतलब इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट मायने रखती थी, ठीक है, मायने इंटरनेशनल रखती, फाइनेंस नंबर एक सेंट्रलिटी एंड डिग्निटी ऑफ मैन, सेंट्रलिटी एंड डिग्निटी ऑफ मैन। कहीं पर माइक खुला हुआ है, और दूसरा है स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। यही दो कंसर्न थे ह्यूमैनिज्म के, एकदम क्लियर बना लो। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। अरे भैया समझ में ना आ रही है क्या, उर्दू में बोलूं? अरे शबाना सर, कोई नहीं, हम नहीं आगे भाई गए सर, नाम नहीं शबाना, हो रहा माइक। सर, उधर से ही कर दीजिए, इधर से माइक ऑफ नहीं हो रहा। पता ओके, तो खोल कैसे लिया? अरे नहीं सर, अल्लाह कसम, ऐसा पता ना चल लिया तुम्हें? सर नहीं हो रहा, आप ही कर दीजिए। सलीम अब्बू जान खाला से के नहीं पड़ेगी तुम्हारी शिकायत, ठीक है, आ गया हो सब, इतने लोग हैं एस में आने में इतना टाइम लग रहा है सब, नो एक मिनट पहले अरे कहाँ करोगी तुम, नाम शबाना दिखी ना रही है मुझे, नाम शबाना, सर, उन्होंने लेफ्ट कर दिया है। ओके ठीक है, ये तो रेनेसा हो गया। अब आते हैं स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, ठीक है, ये दो चीजें कंसर्न है केवल, इससे ज्यादा नहीं करना है कुछ, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का मैंने तुम्हें कल बता दिया था, एक और चीज इसमें है भैया ह्यूमैनिज्म में, वो ह्यूमैनिज्म में है कि जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट आया, कि जेंटलमैन कौन होता है और वो कौन होता है। एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज में जेंटलमैन का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है शुरू से, तभी तो हमारे वहां आर्मी में भी कहते हैं कि जेंटलमैन कैडेट्स, ठीक है, तो जेंटलमैन की कुछ क्वालिटी बताई गई हमेशा, और इसीलिए हमेशा वहां कहते हैं यहाँ भाइयों और उनकी बहनों नमस्कार कहा जाता, तो वहां कहा जाता लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो ये जो आइडिया था ये सबसे पहले रेनेसा ह्यूमैनिज्म की देन है, तो ये पूरा रेनेसा ह्यूमैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ जेंटलमैन, ऑल राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैं लाऊंगा कि जेंटलमैन का आइडिया आया किसमें, ये इटालियन बुक थी जो बॉल्डेसियर ने लिखी थी, और उस बुक का नाम था इल कॉर्टेगियोनो, जिसका मतलब था द कर्टियर, ठीक है, इन द बुक द कर्टियर, COURTIER, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में द कर्टियर सर थॉमस हॉबी ने किया था 1561 में, वैसे इसका नाम इल कॉर्टेजियानो था। इसमें ये बताया गया कि एक दरबारी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और एक दरबारी को जो कोर्ट में है यानी राजा के दरबार में, उसे एक जेंटलमैनली कंडक्ट करना है, ठीक है। तो जो जेंटलमैन का आइडिया आया वो यहीं से आया, ठीक है, एक ये पढ़ सकते हैं। और इसमें इसी द कर्टियर में उसने कहा है कि किसी को भी जो कर्टियर है उसे ग्रीक, लैटिन और क्लासिक्स
की पूरी जो है नॉलेज होनी चाहिए, और एक जेंटलमैन को हमेशा कंप्लीट एजुकेशन लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ग्रीक, लैटिन एंड यहां तक कि वर्नैकुलर। वर्नैकुलर क्या था, किसी को पता है? लोकल लैंग्वेज, लोकल बाकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज जो एक्चुअली क्या थी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बाद में कहलाई। ये तो बाद में इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में कहलाई, लेकिन वहां की वर्नैकुलर मतलब वहां की लोकल लैंग्वेज मिक्स्ड। लेकिन चौसर के जमाने में ये क्या कहलाई थी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जो एंग्लो नॉर्मन्स के बाद जो है हमारे साथ आई थी, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन्स में फ्रेंच लोग जो नॉर्मेंडी से आए थे उन्होंने पूरी भाषाओं का अमलगमेशन कर दिया था और फ्रांस को ही जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, तो इंग्लिश बहुत दरकिनार कर दी गई थी जो वहां की टूटी फूटी है। अब अगर तुम पूछो कि भैया कौन से जो है दो बड़े एजुकेटेड वो माने जाएंगे उस समय के लोग, देखो अब लिटरेचर में हम घुसने लगे हैं धीरे धीरे, हम लोग सोच रहे होंगे कि रहने सा को भैया लिटरेचर में क्यों रखा गया, अब हम घुस रहे हैं लिटरेचर में और यहीं धज्जियां उड़ेंगी रहने सा की। तो जो दो लोग आते हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट फिगर आते हैं रहने सा के, सबसे पहले सेकेंड वेव के दौरान, उसमें नंबर एक, जिसमें कई बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने हजारों बार लिखा है जिसने भी मुझसे पढ़ा है, और एक ही क्वेश्चन पूछा गया, रोजर एस्चैम, याद आ रहा है? 1514 से यस सर, लेके 68 तक था, और एलिजाबेथ का ट्यूटर रहा है ग्रीक एंड लैटिन में, ट्यूटर ऑफ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एलिजाबेथ। और ग्रीक एंड लैटिन, अब तुम्हें याद होगा कि इसकी दो ही किताबें और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्क ये रेनेसा के वर्क हैं। एक है द स्कूल मास्टर, कुछ नहीं है ये, सिंपल ल्यूसिड बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इंग्लिश प्रोज वर्क है, प्रोज वर्क सिंपल। और दूसरा है ये पूरा एक ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन का प्रोग्राम है, समझ लो कि ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए और एजुकेशन के क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो तुम ये समझ सकते हो कि जो आप शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हो उसकी लगभग सबसे पहली ट्रीटाइज है ये इंग्लिश में, ठीक है? तो ये कह सकता है कि अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन। तो वहां थीम आ सकता है कि स्कॉल द स्कूल मास्टर का थीम क्या था, और इसके थीम में और क्या है, साइकोलॉजिकल लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है, एजुकेशन है, ठीक है, एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो जो तुम पढ़ रहे हो पेडागोजी वगैरह उस सब, इसमें सबसे पहली बार बात की गई है उस जमाने में, इसलिए ये एक बहुत जबरदस्त वर्क है, स्कूल मास्टर, ठीक है। 15 कितने तक रहा था, स्कूल मास्टर आया था 1570 में, ठीक है। तो ये कुछ वर्क हैं जो आपके ध्यान में होने चाहिए, और क्योंकि रेनेसांस 17वीं शताब्दी तक भी रहा है तो इसलिए देखो एलिजाबेथन एज के शुरू शुरू में ये चीजें आ रही हैं सारी, ठीक है, जब पोस्ट चौसेरियन एज चल रही है, और अभी हम एलिजाबेथन एज तक नहीं पहुंचे, एलिजाबेथ एज 1558 में शुरू होती है। मैं आपको एजेज और इसके बारे में बताऊंगा जब हम ब्रिटिश स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कुछ। दूसरा वर्क इसका ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया हमेशा, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। और इसमें से तो हमेशा एक ही शिवकुंडी क्वेश्चन वाला आया जो है, वर्क है ये इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ये पोस्ट बिल्कुल पोस्थमसली पब्लिश हुआ है स्कूल मास्टर, क्योंकि उसकी डेथ 68 में हो गई है, ठीक है। टॉक्सोफाइलस, इतना ज्यादा इससे पूछा गया है क्वेश्चन, जो लोग अपने एमसीक्यूज लगाते थे या कहीं, तो उन्हें पता होगा कि
कि टॉक्सोफाइलस से कितने क्वेश्चन आया, 1545 एक ही क्वेश्चन आया है। पहले तो मैं इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है, टॉक्सोफाइलस का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका होता है लवर ऑफ द बो, लवर ऑफ द बो। और ये दूसरा क्वेश्चन ये बनता है जो इसमें जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, ये है कि इसका थीम क्या है। इसका थीम है आर्चरी, और क्वेश्चन इस फॉर्म में आया है कि शूटिंग का थीम इनमें से किस बुक में है। तो शूटिंग का थीम भी यही है, आर्चरी, और शूटिंग मतलब शूटिंग एरो, यहाँ ये शूटिंग नहीं है जो कि आप बंदूक से करो या किसी से, ठीक है, या फिल्मों की शूटिंग। तो लवर ऑफ द बो का थीम है आर्चरी या शूटिंग एरो। और इसका एक बढ़िया क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे पहली किताब है ये जो आर्चरी पे लिखी गई है, फर्स्ट बुक, इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है, फर्स्ट बुक ऑन आर्चरी, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो है, ये पूरी बुक लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग, और अगर किसी ने मेरे से पढ़ा है एलटी का पहले तो बता दें किन किन के बीच में डायलॉग चल रहा है। शायद मैंने ये भी लिखाया था तुम्हें, ठीक है, दो लोगों के बीच में डायलॉग है, किसी को याद आ रहा है? क्योंकि तो मैं तुमसे कंफर्म इसलिए कर रहा हूं कि मेरे दिमाग से वो नाम yes, उड़ रहे हैं। बताओ, नहीं आया याद? चलो अभी बताता हूं। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि किंग हेनरी को डिवोट की थी इसने बुक, ठीक है, तो डेडिकेटेड टू किंग हेनरी, और कौन से नंबर का, वही एलिजाबेथ के बाजू, किंग हेनरी एट, समझ गए? बोलो इतना क्लियर है? तो बेसिकली फिलोलॉगस और टॉक्सोफिलस के बीच में डायलॉग है, फिलोलॉगस एंड टॉक्सोफाइलस। देखो फिलोलॉगस जानते हो, इसमें दो जो है प्रिफिक्स एंड सफिक्सेस काम करते हैं, फिल यानी लवर, और लॉगस मतलब होता है साइंस या नॉलेज। तो फिलोलॉगस वो है जो अध्ययन का प्रेमी है, मतलब हु लव्स स्टडी, और टॉक्सोफाइलस वो है जो धनुष का प्रेमी है, बो का। तो ये है, ही लव्स शूटिंग, ही लव्स बो। तो इन दोनों के बीच डायलॉग है, और इससे ज्यादा इसमें आपका अगर आ गया तो आप तब कहना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। तो नाउ यू हैव ए कंप्लीट आइडिया कि रेनेसा में जिस लिटरेचर में से जिस फिगर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, नंबर एक जिसका नाम है वो रोजर एस्चेम है। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा फिगर जिसके बारे में हम बात करें वो है हमारे थॉमस एलियट साहब। इन एलियट की स्पेलिंग ये है ELYOT, और थॉमस एलियट साहब रहे 1490 से 1546। अगर कोई पूछे क्या इसका टीएस एलियट से नाता है, बिल्कुल है, क्योंकि ये टीएस एलियट के बड़बूबू 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 के भी बड़बूबू रहे हैं, ठीक है। ये इंग्लिश प्रोस का महारथी था भाई, जबरदस्त। और थॉमस मूर ने एक सर्कल बनाया था, उसका भी ये बेसिकली मेंबर था। बस इसकी एक ही बुक ने छा गई थी, और वो बुक बेसिकली जेंटलमैनली कंडक्ट के लिए थी, और वो बुक का नाम है इसकी द बुक नेम्ड द गवर्नर। सुना होगा तुमने जिसने पढ़ा है मुझसे पहले, द बुक लिखा भी होगा, नेम्ड द गवर्नर, 1531, ठीक है। और ये जेंटलमैनली कंडक्ट की बुक है,
और रेनेसा जेंटलमैन के बारे में बताती है, टेल्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ रेनेसा जेंटलमैन, कि उसको कैसा कैसा होना चाहिए। बस एक पॉइंट में से खत्म करेंगे और कुछ नहीं। और एक चीज और लिख लो इसके बारे में, कि थॉमस इलियट ने फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी जो है इजाद की थी क्लासिकल लैटिन की, ठीक है, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल लैटिन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, शब्द सारे क्लासिकल लैटिन लिए थे, लैटिन लैंग्वेज के, और उनकी मीनिंग इंग्लिश में बताई थी, जबकि जॉनसन की जो डिक्शनरी है वो इंटायरली इंग्लिश की थी। दोनों में अंतर समझ गए? ठीक है, यस। अब आते हैं भैया, तीसरा फिगर कौन सा था जो लिटरेचर में, जिसके बारे में आ सकता है रेनेसा में, वो था डेसिडेरियस इरेस्मस, ठीक है, जिसका प्रेज ऑफ फॉलीज आपको याद आ रहा होगा, कल ही बात की थी हमने। वो है डेसिडेरियस, फोर्टीन सिक्सटी सिक्स से 1536 तक। और इसमें क्या है, ये थॉमस मूर का बड़ा अच्छा दोस्त था, और इसकी एक बुक के बारे में बस हल्का सा समझेंगे, और यही, और एक इसकी एक खासियत और है, वो ये है कि जो न्यू टेस्टामेंट है बाइबल का, उसका पहला एडिटर ये था, फर्स्ट एडिटर ऑफ न्यू टेस्टामेंट। और इसने जो किताब लिखी वो एक ही है जिसके बारे में पूछा जाता है, द प्रेज ऑफ फॉली। इसकी बुक है द प्रेज ऑफ फॉली, और ये आई थी वही पोस्ट चौसेरियन एज में 1511 में। और इसमें बेसिकली जो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं, ये जो फॉली शब्द है इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, ये फॉली शब्द एक्चुअली पन नेम है, पन मतलब जिसके दो मीनिंग निकल जाते हैं, पन नेम यूज किया गया है फॉर थॉमस मूर, तो फॉली शब्द थॉमस मूर के लिए यूज किया गया। एक उसका, उसके लिए नाम समझ लो, एक उसकी आदत समझ लो, उसके बारे में के लिए लिखा है, उसकी हंसी उड़ाने के लिए, आयरनिकली बेसिकली ये दिखाया गया कि फॉली जो है उसके एक आयरनी है, मतलब इसमें थोड़ा लाफ्टर क्रैक करने के लिए। और दूसरा है, इसका जो थीम था वो सेटायर था बेसिकली, करप्शन और जो क्लर्जी हैं, जो उस समय के पादरी लोग थे, उनकी बेवकूफी पे, कि वो कुछ जानते नहीं है लेकिन बनते बहुत हैं, ठीक है, तो सैटायर ऑन करप्शन एंड इग्नोरेंस ऑफ क्लर्जी। बोलो इतना क्लियर? यस ठीक है। सर। अब आते हैं कि सर, इन्होंने ये न्यू टेस्टामेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? ट्रांसलेट थोड़ी किया है, एडिटर है न्यू टेस्टामेंट का, ट्रांसलेशन मैंने नहीं लिखा है, एडिटर। एडिटर का मतलब समझे,
जो न्यू टेस्टामेंट छपी तो उसमें जो पहली बार गलतियां निकाली, उसमें प्रूफ रीडिंग की सुधार किया, लैंग्वेज कटे और उसका सब देखा स्ट्रक्चर और ये सब, जैसे कोई भी बुक का एडिटर होते हैं, अखबारों के होते हैं, वैसे ये था वो बंदा जिसने सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट छपने पे उसकी एडिटिंग की है। समझ गए? ट्रांसलेशन ओके सर, नहीं है, कोई भी बुक छपने से पहले एडिट होती है, उसमें एक कोई भी उस वर्क का जानने वाला स्कॉलर ही होता है कोई। ठीक है, ठीक है। अब ह्यूमैनिज्म आपको पता ही है, ठीक है, स्कॉलिस्टिक ये सब हो गया। अब ह्यूमैनिज्म में एक चीज और ध्यान रख लो कि ह्यूमैनिज्म में एक आदमी ने हलचल मचा दी थी, वो क्राइसिस इन ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। कोई अगर पूछे कि व्हाट वाज द क्राइसिस इन ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म तो सही चल रहा था, फिर अचानक ह्यूमैनिज्म में एक क्राइसिस पॉइंट क्या आया जहां ह्यूमैनिज्म खतरे में पड़ गया, तो वो बताते हैं अब आप, या जहां पे कुछ ऐसी घटना हो गई, तो उसको मैं अपने शब्दों में नाम दे रहा हूं क्राइसिस इन ह्यूमैनिज्म। कहां पर? एक यहां पर क्राइसिस आया। देख रहे हो, इस समय भी चैन नहीं है लोगों को। क्राइसिस इन ह्यूमैनिज्म, सबसे बड़ा ह्यूमैनिज्म में क्राइसिस यही है भैया। सुबह जब मैं उठ के 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे कभी उठूं, तो वहां पर मैसेज पे मैसेज आए होते हैं 3:50 पे ही, सर ऐड मी इन द ग्रुप, ठीक है, सर आई एम नॉट एडेड यट। तो ये सबसे बड़ा कुठाराघात है भैया ह्यूमैनिज्म पे, थोड़ा मानवतावादी बनो, रात 3:50 4 पे मत करो मैसेज। ऑलराइट, ओके तुम भी कहोगे सर, सर भी ना बिल्कुल पॉइंट पे मार रहे हैं, ठीक है, तो क्राइसिस है ये ह्यूमैनिज्म पे, समझ लो बात को। कल तो मैं बढ़िया करके सोऊंगा, 2-3 दिन से सो ही नहीं पाया हूं, अब लगभग सब तय हो चुका है, और कुछ अभी भी टिटबिट्स बाकी है, कहीं किसी न किसी का मैसेज बाकी होगा अभी 4-5 लोगों का। ठीक है, तो तुम्हारा भी सही है कहना भैया, ये होता है कि क्या कि भैया पैसे दिए हैं कहीं डूब तो ना गए, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बोल जाएंगे। किसी का ये है, किसी का ये है कि भाई मैं पहले से ही पढ़ूं, मेरा कुछ छूटे नहीं, और कोई बड़े इत्मीनान से है कि जब जोड़ेंगे जोड़ेंगे, जब उसके दोस्त फोन करते हैं, अबे कहाँ हो, 4 दिन की क्लास हो गई, अच्छा, मुझे भी जुड़ना था। ठीक है, तो सबके अपने तरीके हैं। क्राइसिस इन ह्यूमैनिज्म क्या कह रहा है देखो, क्राइसिस ह्यूमैनिज्म में वो था कि ट्रायल ऑफ गैलीलियो, एकदम पिन पॉइंटेड बातें बता रहा हूं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो ये रेनेसा पे मैं आपको महीनों पढ़ा सकता हूं, इतनी बड़ी किताब पढ़ी है रेनेसा पे। ट्रायल ऑफ गैलीलियो क्राइसिस था ह्यूमैनिज्म पे, क्यों? गैलीलियो ने क्या किया, सपोर्ट किया कॉपरनिकस के कंसेप्ट का। गैलीलियो सपोर्टेड, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बड़ी घटना है पूरे यूनिवर्स की, सपोर्टेड कॉपरनिकस मॉडल। अब वो कंसेप्ट क्या था, कल मैंने एक शब्द कहा था लेकिन तुमने किसी ने पूछा नहीं, तो मैं उसे आज एक्सप्लेन कर देता हूं। वो इन्हें कॉन्सेप्ट था कहा था सन हेलियो, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स, बिल्कुल सही, यू आर द रियल सन ऑफ गॉड। ओके, हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कंसेप्ट कॉपरनिकस का जो मॉडल था उसको गैलीलियो ने सपोर्ट किया। व्हाट द हेल इज दिस हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स, इसका मतलब था कि जो सन है, सन सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और इसको सबसे ज्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा क्योंकि साइंस और ऐसी बातें कर रहा था, तो लोगों ने कहा बौरा गए हो, कहा ये तो हमारे गॉड ने बनाया है, ये सेंटर वेंटर ना होता है, ठीक है, एडम और ईव हुआ करते थे, हम उसी की संतान है, ये सन वन ना दो। और इसमें सबसे बड़ा, जब साइंटिफिक कुछ डिस्कवरी होती तो रिलीजन वाले हिलते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है,
तुम अगर कहोगे भैया वहां शिवजी दूध पी रहे या वहां पर चम्मच लेके सब पहुंच गई महिलाएं और आदमी भी लगे लाइन पे, अब साइंटिस्ट नहीं मानेंगे, वो कहेंगे भैया ये तो मिट्टी सूख रही है या फिर ग्रेविटी का कुछ है या कुछ है, तो फिर वो धर्म गुरु सबके आड़े आ जाएंगे और फिर ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। हो सकता है जिसने जिस साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा फैक्ट दिया उसके घर में पथराव हो जाए और मारे, तो सेम उस समय भी होता था आज भी होता है। इसका मतलब मुझे कार्ल यूंग का जो है सबसे बड़ा आता है कि जो है प्रीमोर्डियल रेजिड्यू वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारी सब में एक कॉमनैलिटी होती है, हमारे जो मेमोरीज होती हैं और हमारे इसमें जो माइंड जो सोचता है वो प्रीमोर्डियल रेजिड्यू वाला कॉन्सेप्ट है, वो बहुत बड़ी थ्योरी है। लेकिन मुझे लगता है सब लोग कुछ कॉमनैलिटी शेयर करते हैं, तो वही है। तो वहां भी सब लोग विरोध में आ गए और उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया कि उसने फ्री थिंकिंग कैसे कर ली। अब अगर फ्री थिंकिंग के लिए हाउस अरेस्ट कर दो और तुम ह्यूमैनिज्म को कहो कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, तो बोलो एक क्राइसिस होगा कि नहीं ह्यूमैनिज्म में? यस सर, तो यही क्राइसिस पॉइंट रहा। बोलो क्लियर हो गया? सर ठीक है। तो अब मैं पिन पॉइंटेड बता दूं कि ह्यूमैनिज्म ने एक्चुअली बात क्या की भैया। ह्यूमैनिज्म ने बात की, ये कहता है मैं फिलोसफी में विश्वास करता हूं, यानी सिद्धांतों में, और मैं साइंस के अगेंस्ट फिलोसफी को फेवर करता हूं। और दूसरा इसने कहा कि मॉरल एंड प्रैक्टिकल बात करो, ठीक है, और एस्थेटिक के खिलाफ था, एस्थेटिक के अगेंस्ट। क्यों? एस्थेटिक में मॉरल और प्रैक्टिकल बात नहीं होती, वो जब हम एस्थेटिसिज्म बताएंगे। कि हो सकता है कि तुम में से कोई कहे कि भैया मुझे ये जो पोएट्री है कमला दास की क्या अपील है, कितनी बढ़िया है, तो इसमें कहीं मॉरल मिलेगा तुम्हें, नैतिकता? बताओ। नो सर, लेकिन वो नो कन्फेशनल सर, लोग कहेंगे भैया नो ये तो सर, एस्थेटिसिज्म है, मजा आ गया क्या लिखा है। तो एस्थेटिक बिल्कुल एस्थेटिक पूरी ब्यूटी की बात करता है, लेकिन ये बात करती है मॉरल और प्रैक्टिकल होने की, ठीक है, ह्यूमैनिज्म। तीसरा, ह्यूमैनिज्म बात करता है भैया रीजन, तुम रीजनेबल बात कहो और अपनी जो ये इंस्टिंक्ट है, जो आपकी अंदर की इंस्टिंक्ट है, इसके अगेंस्ट है वो, ठीक है। और ऑलराउंड लर्निंग तुम करो, मैं और स्कॉलिस्टिक या स्पेशलाइज लर्निंग की बात नहीं करता हूँ, ऑलराउंड लर्निंग की बात करता है, ठीक है, अगेंस्ट स्पेशलाइज्ड। लर्निंग, बोलो क्लियर? ठीक है। और अब हम चलेंगे अगले हिस्से पे, जिसे हम कहेंगे, जिस पे अब हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, और वह है रेनेसा इन इंग्लैंड, बिकॉज वी आर कंसर्न विद इंग्लिश लिटरेचर। बोलो, अभी तक रेनेसा की आधी धज्जियां उड़ी हैं कि नहीं उड़ी हैं, बताओ, कुछ बच रहा है? सर सॉरी, ये लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा आपने? ऑल ऑल अराउंड, राउंड लर्निंग अगेंस्ट स्पेशलाइज लर्निंग। स्पेशलाइज लर्निंग मत करो, एक ही चीज के पीछे नहीं पढ़ो, हर चीज को जानो, समझ गए? समझ गए? अरे जैसे मैं यस पढ़ा रहा हूं, सर। ठीक है, ये मेरी स्पेशलिटी है, पर मैं भैया बहुत बढ़िया मैगी का ठेला लगा के बेच सकता हूँ, काफी बिक्री होगी मेरी, मुझे यकीन है। मैं बहुत अच्छे छोले भी बना सकता हूँ, मटन और वो भी बना सकता हूँ, चिकन, ठीक है, और पुलाव भी बना सकता हूँ, तो ये मेरी ऑलराउंड लर्निंग है। मैं जो है पूरी साइकिलिंग कर सकता हूँ, मैं मार्शल आर्ट कर सकता हूँ, बैडमिंटन खेल सकता हूँ, ठीक है, मैं पोएट्री लिख सकता हूँ, म्यूजिक गिटार बजा सकता हूँ और ट्रैकिंग कर सकता हूँ, तो ये मेरी ऑलराउंड लर्निंग हो गई, ठीक है। तो कहते हैं स्पेशलाइज में तुम बच जाओगे, ऑलराउंड लर्निंग में जो है तुम्हारी लर्निंग का जो है एक पिटारा खुलेगा एंड यू विल बी फीलिंग और एंजॉइंग इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, समझ गए?
अब आते हैं नेक्स्ट सर. हाँ बोलो सर. ह्यूमैनिज्म में ये मॉरल समझ में नहीं आया सर. मॉरल कैसे अरे मॉरल एंड प्रैक्टिकल भैया. ठीक है मॉरल और प्रैक्टिकल. अब मैं तुम्हें कोई अगर रहने जो है उसकी कमला दास की या फिर आपने जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड वाले हैं उनकी या फिर कुछ कन्फेशनल पोएट जैसे कि आपकी सिल्विया प्लाथ हो गई, एनी सेक्सटन हो गई, इन लोगों की पोयम सुना दूं. ठीक है तो तुम इसको जो है अपने परिवार वालों के सामने सुना सकती हो जिसमें वो अपने और अपने हस्बैंड के सेक्सुअल अफेयर्स और उनकी उनको डिस्क्लोज करती है और अपने लवर के बारे में बताती है, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताती है. तुम इसको सुना सकती हो परिवार के सामने और समाज के सामने? यस और नो? नो. क्यों नहीं सुना सकती? क्योंकि तुम्हें नैतिकता का ख्याल रखना है. ये हमारा समाज बहुत बड़ा नैतिक बनता है लेकिन अंदर से खोखला है. हर कोई नैतिक बनता है, अपनी अनैतिकता किसी को नजर नहीं आती और दूसरे में नैतिकता ढूंढता है. समझ रहे हो? तो ये अब लेकिन वो कविता बहुत अच्छी लग रही है आपको. क्यों? क्योंकि शी हैज डिस्क्राइब्ड इन सच ए वे, व्हाट अ ब्यूटी शी हैज रिटन. तुम बड़ा एंजॉय कर रहे हो. एस्थेटिसिज्म इसको कहते हैं, ब्यूटी को एंजॉय करने को एस्थेटिक कहते हैं. अब देसी भाषा में बता रहा हूं. तुम पोचा लगा रही हो, एक गाना आ रहा है और गाना तुम्हारा फेवरेट है लेकिन उसमें भी एक लाइन बहुत फेवरेट है, तो उस लाइन के आते वक्त तुम्हारा पोछा भी रुक जाएगा, तुम थोड़ी देर खड़े हो जाओगे और गुनगुनाने लगोगे और फिर जो तुम्हें आनंद आएगा और उसके बाद आगे काम करोगे. ये जो आनंद है दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक प्लेजर, क्योंकि उस समय तुमने मेडिटेशन की स्टेट हो जाती है, तुम उसी को एंजॉय करते हो एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग. सो एंजॉयिंग एस्थेटिसिज्म, एंजॉयिंग ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग मे इन्वॉल्व सम एलिमेंट वेयर यू आर आउट ऑफ मोरालिटी. अगर न्यूड पेंटिंग को एंजॉय कर रहा है तो मोरालिटी को कहीं खतरा पैदा हो सकता है. ठीक है तो ये अगेंस्ट एस्थेटिसिज्म हुआ कि नहीं हुआ, मॉरल बनना और प्रैक्टिकल बनना? बोलो. यस सर. ठीक है तो ये अब तुम घर में फैशन मैगजीन ले आए, वहां तुम्हें पता है कि कपड़े कहाँ है और स्किन कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है. ठीक है और तुम घर में उसको बच्चों के सामने तो नहीं रख सकते, लोगों के सामने भी देख सकोगे. ठीक है अब है, होने को मॉडल है, कोई बुरी बात नहीं है कि वो तुम एक फैशन मैगजीन पढ़ रहे हो, यू वांट टू नो अबाउट, लेकिन बट मॉरली यू आर फियरिंग बिकॉज तुम्हें पता है कि प्रैक्टिकली और मॉरली ऐसा नहीं है ये. लेकिन तुम्हें जो है फैशन में एस्थेटिक प्लेजर है कि फैशन की नई चीजें जानने में. सो दिस इज ऑल, अब तुम समझ गई होगी. ठीक है yes. अब हम आते हैं रेनेसा इन इंग्लैंड. यहां से शुरू होता है हमारा और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जहां से आपको आ सकता है. और ये छोटा मोटा नहीं है, मैं रेनेसा में एक चीज नहीं छोड़ूंगा. आपका न सिर्फ ये तैयार हो जाएगा बल्कि आने वाले टाइम पे जो लेक्चरर में रेनेसा है, मेरे ख्याल से लेक्चरर में भी है ना एक यूनिट रेनेसा है उसमें. यस सर. वो भी तैयार हो जाएगा. मैंने तुमसे कहा है कि यहां पर एक बार पढ़ो और उसके बाद फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है. ठीक है अब रेनेसा इन इंग्लैंड अगली हेडिंग है. कुछ लोग लुढ़क तो नहीं गए? वो खड़े हैं भैया, उनको नींद आ रही है. ठीक है देखो इंग्लैंड में जो रेनेसा है वो लगभग 1550 से 1660 तक रहा, यानी 17वीं शताब्दी तक. तो पहले तो तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पूरा रेनेसा रहा है फुल ब्लूम में. ठीक है और इस रेनेसा में जो प्रमुख घटनाएं हैं, ठीक है वो क्या घटनाएं हैं वो समझ लो और कौन कौन से राइटर रहे हैं. ठीक है तो सबसे प्रमुख जो रेनेसा में किंग रहे हैं इंग्लैंड में, उसमें पूरी एलिजाबेथ और ट्यूडर डायनेस्टी की पूरी हिस्ट्री आ जाती है. हेनरी 7th और हेनरी 8th,
और एलिजाबेथ, और इन बिटवीन अभी इनके भाई बहन उनकी भी बात होगी, लेकिन मेजर बड़े जो मोनार्क हैं ये है। हेनरी सेवन जैसे ही आता है 1485 से 1509, तो ये स्टार्टिंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी होता है। ट्यूडर डायनेस्टी यहां से आती है। सो फर्स्ट किंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी इन 1485। 1485 इज ऑल्सो नोन फॉर ए ग्रेट 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 वर्क विच वॉज पब्लिश्ड बाई यू नो द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिशमेंट हीरो ऑफ इंग्लैंड, बोलो कौन था? कैक्सटन। कैक्सटन ने 1485 में कौन सी बुक छापी थी? बोलो, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ठीक है, क्योंकि मॉर्डी ऑर्थर का जो है इस पूरे इंग्लैंड के लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान है, और वहां से लेके टेनिसन से लेके कहां कहां से टीएस इलियट तक मॉर्डी ऑर्थर ही चलता रहता है, समझ रहे हो? तो ये दोनों चीजें भी याद रखना। अब हेनरी सेवंथ का मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, हिस्ट्री है ये पूरी। हेनरी सेवंथ ने जो है गद्दी छीनी यॉर्क किंग से रिचर्ड थर्ड से बैटल ऑफ बॉसवर्थ में, फिर उसने एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से शादी की जो एडवर्ड फोर्थ की डॉटर थी, और उसने लैंकेस्टर और यॉर्क दोनों हाउसेज में जो दुश्मनी थी वो यूनाइट हो गए, ठीक है, क्योंकि उसने उससे शादी कर ली, और वहीं पर वॉर ऑफ द रोजेज एंड हो गया और ट्यूडर डायनेस्टी आ गई। अब उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई इंग्लैंड में, और आपने सुना होगा जो जो आपका जो एक वॉर ऑफ रोजेस था वो खत्म हुआ, ठीक है। तो वॉर ऑफ रोजेस का एंड हेनरी सेवंथ की वजह से हुआ, जब उसने उसी खानदान की लड़की से शादी कर ली, यॉर्क और ये लोग मिल गए। तो हेनरी सेवंथ जो है इसने रिस्टोर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिस्टोर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बस की पॉइंट याद रखो। और इसमें जो हमेशा लड़ मरते थे लैंकेस्टर प्लस हाउस ऑफ यॉर्क, इन दोनों के झंडे में बताओ रेड किसके लिए था, व्हाइट किसके लिए था? हाउस ऑफ यॉर्क, इनके झंडों में ये गुलाब बने हुए थे रेड कलर के और व्हाइट कलर के, इसीलिए इनको हाउस ऑफ लैंकेस्टर हाउस ऑफ यॉर्क कहते थे। एक तरीके से सिविल वॉर ही था, क्योंकि अंदर ही अंदर गद्दी हटाने की दो बड़े खानदानों में होड़ थी। ये एंड हुई हेनरी सेवंथ के एक खानदान से दूसरे खानदान के बीच में बेटा बेटी के विवाह के साथ, लेकिन 1509 में मर गया। सॉरी, 1509 में अपने आए हेनरी 8 और ये 47 में ये भी अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, लेकिन इसका जो दरबार था फैशन और कल्चर का जो है बिल्कुल सेंटर बन गया। और इसने क्या किया, पहले तो अपने भाई की विडो से शादी की जो कैथरीन ऑफ एरागन थी। कैथरीन स्पेनिश डायनेस्टी में बहुत पॉलिटिकल फिगर, बड़ा प्रभावी थी। 1520 में हेनरी ने कैथरीन को डाइवोर्स दिया और उसने एनी बॉलियन से शादी कर ली। उसने सोचा कि एनी जो है उसको एक वारिस देगी, तो पहला उसने किया कैथरीन ऑफ एरागन, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें बैकग्राउंड पता चल जाएगा एलिजाबेथन एज का पूरा, कैथरीन ऑफ एरागन, उसके बाद एनी बॉलियन और सोचा कि बेटा होगा, लेकिन पोप ने कह दिया, क्योंकि उस समय राजा से भी ऊपर कौन था? पोप था। चर्च सबसे ऊपर होता था, फिर राजा होता था, फिर नोबल्स होते थे, फिर जो है लैंडलॉर्ड्स और नाइट्स, और इस तरीके से पूरा लास्ट में पीजेंट्स होते थे। तो चर्च ने कहा ना भैया, राजा साहब तुम डाइवोर्स नहीं दे सकते, तुम राजा की गद्दी में हो, तुम डाइवोर्स नहीं दोगे, और कैथोलिक चर्च ने मना कर दिया। और हेनरी ने क्या किया, उसने तुरंत एक गेम खेला, उसने थॉमस क्रैनमर को आर्क बिशप बना दिया कैंटरबरी का, और थॉमस क्रैनमर ने उसको कहा, वो आर्क बिशप बन गया तो उस पर पावर आ गई, उसने कहा तुम डाइवोर्स दे सकते हो, और उसने एक
साइन करके उसको आज्ञा दे दी कि तुम डाइवोर्स ले लो, और फिर एनी बैलोन बोलियंसिस ने शादी कर ली। ठीक है, अब जो पोप था उसको बड़ा गुस्सा आया, पोप ने आर्क बिशप को भी और हेनरी एट्थ को भी एक्स कम्युनिकेट कर दिया। उसने कहा तुम बिरादरी से बाहर जाओ। सरपंचों की राय है कि हेनरी एट्थ और ये जिसने आर्क बिशप अपना गुर्गा बैठाया है, इन दोनों को बिरादरी से बाहर कर दो। वही पोप जो कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? जिंदा हो? ठीक है, उसके बाद ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, सुनो पूरा, मजा आ जाएगा, फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे पूरे। तो हेनरी को भी आया गुस्सा, उसने कहा राजा हम, आर्मी हमारी है, देश हमारा, आंगन हमारा, नाचेंगे हम या नाचोगे तुम? तो उसने कहा बेटे अब बताते हैं हम कि दांव क्या होता है। तो उसने कहा कि 1534 में उसने गेम खेला, उसने कहा कि जो, अरे भैया माइक बंद कर दो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया, याद रखना ये आ सकता है पूरा क्वेश्चन ये, क्योंकि रेनेसा के टाइम पे ही हुआ, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। और उसने कहा कि आज से और अभी से राजा ही सर्वोपरि होगा, और कैथोलिक चर्च वाले जो अपने को बहुत बादशाह समझते हैं उनके ऊपर हमारा इंग्लिश एंग्लिकन चर्च होगा, और हम हैं बादशाह और हम सुप्रीम पावर हैं, और कैथोलिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके साथ ही उसने एक और चाल खेली, जितनी मोनास्ट्रीज थी कैथोलिक चर्च की उसको खत्म कर दिया, और मोनास्ट्रीज को डिसॉल्व किया, उनसे धन लूट लिया, और उससे अपनी नेवी को सुदृढ़ बनाया, और कहा कि हमारे वहां आर्ट का डेवलपमेंट होगा। और तीसरी चीज उसने जो चुपचाप की, वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट दिया और कहा मारो इनको कैथोलिक्स को। तो उसने एक साथ कई दांव खेले, देखो कैथोलिक्स कमजोर पड़ गए और प्रोटेस्टेंट को भी मौका चाहिए था, और प्रोटेस्टेंट इसके साथ हो गए, तो इसने अपना सरदर्द हटा दिया, प्रोटेस्टेंट पर डाल दिया और अपना एंजॉय करा। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। अब हेनरी के आखिरकार भगवान की दया से एक लड़का हुआ भैया, और जिसका नाम था एडवर्ड सिक्स। लेकिन यहां पर भगवान ने एक चाल खेल दी, एडवर्ड सिक्स से ऐसा हुआ, वो बीमारी रहता था, पतला दुबला था, ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी बात, वो लड़कियों की तरह चलता और लड़कियों की तरह बोलता था, उसमें राजा बनने के कोई गुण ही नहीं थे, कमजोर। लेकिन हेनरी मरा तो उसको बिठा दिया गया गद्दी में। अब इस समय तक थॉमस क्रैनमर ने, जो जिसको इसने एक बार आर्क बिशप बनाया था, उसने फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर बना दी थी जो एंग्लिकन चर्च में यूज की जाने वाली थी। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ये आ सकता है पूरी तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने लिखी थी? थॉमस क्रैनमर, जो कि इसका खास था हेनरी एट्थ का, और इसने लिखी, और ये किसके लिए लिखी? एंग्लिकन चर्च के लिए। इसने कहा हमारी जो बुक होगी कॉमन प्रेयर की वो ये होगी, कैथोलिक वाली नहीं। बोलो इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, अब तीसरी चीज कि जो हेनरी एट्थ था उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम था मैरी और एक एलिजाबेथ। अगर कोई कहे कि हेनरी एट्थ ने कुल कितनी शादियां की थी, जानते हो कुल कितनी शादियां की थी? चार। अरे नहीं, ये तो बहुत कम है, छह शादियां की थी, छह मैरिज,
अच्छा फिर तो वो बिल्कुल खुला हो गया ना फिर, तो उसकी जो सेकंड वाइफ हाँ थी ये थी एनी बॉयलियन, उससे ही एलिजाबेथ वन हुई थी। ठीक है, अब बात आई कि मैरी बड़ी थी, वो तो पहले से ही थी क्योंकि वो उसकी वाली वाइफ जो मैरी की जो माँ थी, ये लोग अलग रहते थे, हेनरी ने उन्हें अलग कर दिया था महल से, तो ये अपने फादर से बहुत चिढ़ती थी। इसका बेटा एडवर्ड भी मर गया और मैरी को लाया गया, मैरी फर्स्ट कहते हैं इसे, और मैरी को जब लाया गया ठीक है, वो बेसिकली 1553 पे आई और वो सिर्फ 5 साल रही क्योंकि एडवर्ड बीमार पड़ गया था और मर गया था और लेड जो है उसको आना पड़ा। तो जैसे ही वो आई, उसने लेडी जेन जो है एक थी उसकी कजिन वहां रहती थी, उसको जेल में डाला ठीक है, और उसने अपने पापा से चिढ़ती थी तो उसने कैथोलिक्स को पूरा सपोर्ट दे दिया और प्रोटेस्टेंट को मारो कहा, और वो क्वीन मैरी बन गई। उसने कहा कैथोलिसिज्म फिर से खड़ा होगा, कौन कहता है, क्योंकि उसके फादर कैथोलिसिज्म के खिलाफ थे तो वो फादर के खिलाफ हो गई, और उसने कैथोलिक्स को पावर दे दी, कहा मारो प्रोटेस्टेंट को काटो, और इतने लोग मरवाए गए, कहते हैं कि उसने 300 प्रोटेस्टेंट को तो खाली कोर्ट में ट्रायल करके एग्जीक्यूट कर दिया सरेआम, और 300 लोगों को सीधे उसने खुद ही मरवा डाला, प्रोटेस्टेंट जो इन्फ्लुएंशियल थे, और उसके बाद उसे ब्लडी मैरी कहने लगे। ठीक है, शी वॉज नोन एज ब्लडी मैरी इन हिस्ट्री। बोलो, क्लियर? यस और पंद्रह सौ सर, अठावन में 5 साल में वो मर गई। हाँ, उसने फिलिप सेकंड से शादी की, वो भी कैथोलिक राजा था स्पेन का। ठीक है, खैर, और अब उसने एक और काम किया था, एलिजाबेथ को भी जो है लंदन टावर में कैद कर दिया था। ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से ये पूरा हुआ। अब नेक्स्ट है कि रेनेसा का जो लिटरेचर है, अर्ली रेनेसा का लिटरेचर ठीक है, वो क्या है, और लिटरेरी जो ट्रेडिशंस हैं वो क्या है। तो ये अब एक क्लास और लेगा और ये एंड हो जाएगा। केवल रेनेसा इतना बड़ा है क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा सन, बाकी तो सब छोटे छोटे टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स में, तो